नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी ठाकुर। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को 71वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि इस बार के गणतंत्र दिवस पर 141 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए गए, जिनमें 16 पद्म विभूषण और 118 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए। पुरस्कार पाने वालों में 34 महिलाएं और 18 विदेशी ही शामिल हैं, जबकि 12 लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। पद्म विभूषण पाने वाले में सुषमा स्वराज और अरुण जेटली समेत अन्य लोगों को भी ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। साथ ही 11वीं गोरखा राइफल की लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति लामा, सेना वायु रक्षा के मेजर के विजेंद्र सिंह, पैराशूट दस्ते के नायाब सूबेदार नरेंद्र सिंह समेत सभी को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। वहीं जाट रेजिमेंट के नायाब सूबेदार सोमवीर को मरणोपरांत शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर के 8 युद्ध सेवा पदक, 4 उत्तम युद्ध सेवा पदक, 32 अति विशिष्ट सेवा पदक, 76 विशिष्ट सेवा पदक और 151 सेना पदक से सम्मानित किया गया। 47 कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित किया गया। साथ ही 54 लोगों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया।